नमस्कार, विराट 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हिना। इस वक्त की बड़ी खबर रीवा जिले के संजय गांधी अस्पताल से आ रही है, जहां एक नवविवाहिता की मौत का मामला प्रकाश में आया है। वहीं परिजनों ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया है। मृतका की मां ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि उनकी बेटी की शादी लॉकडाउन में लोर थाना के नोडिया गांव में हुई थी। बताया जा रहा है कि ससुराल पक्ष द्वारा मृतक को दहेज के लिए लगातार परेशान किया जा रहा था। मृतक की मां का कहना है कि कई दिनों से दहेज के लिए मांग की जा रही थी, जिसको लेकर सास ससुर ने मृतका के साथ मारपीट भी की थी। इसी विवाद के चलते मृतका ने जहर खा लिया। वहीं मृतक का नाम पूनम पटेल, पति अगीरा प्रसाद पटेल बताया जा रहा है। वहीं इस घटना पर ससुराल पक्ष भी संजय गांधी अस्पताल पहुंचा है और सबका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। वह अब पुलिस मामले की जांच कर रही है। हेमा देवी पटेल। बेटी का क्या नाम था आपका? पूनम पटेल। कहाँ घर है आपका? गिद्रोहाट। लड़की शादी कहाँ किए थे? नौढ़िया। क्या घटना हुई है, जहर खा ली है, कैसे, क्या लगता है आपको? सुबह 8 बजे के टाइम पे फोन लगाई हमारे पास। 8 बजे बोली मम्मी भाई लोग को बुला था। हम कहन काहे, कहीं मम्मी हम जहर खाए लहन है। हम कहन काहे ऐसा करे, तई बोली है। फिर सास उनकर मोबाइल छुड़ा लीन, कहीं तुम्हार बिटिया जहर खाए ली थी। हमार बिटिया नहीं खाई सी, कहुना मऊ गंजगर है, दोनों लग के मारी हमारे बिटिया का। कौन कौन मारा है? सास ससुर और ननंद। हमेशा कहा थी कि हमका दहेज चाहिए, दहेज वाली लड़की चाहती थी। पर्सनल बात सबसे ज़्यादा ननंद, सास ससुर हमारे बिटिया को बहुत ज़्यादा कलबदाह करे हैं। पहले शादी कब किए थे आप? शादी हम लॉकडाउन में किए थे। सामान क्या क्या दिए? जितना सामान था मैंने सब दिया, सोफा और टीवी बस नहीं दिए, और सामान बाकी हम सब दिए, और गाड़ी नहीं दिए। हाँ, सामान की मांग कर रहे थे। सामान का मांग का इनकी मतलब समझीन की लड़की जो है तो बोला रही कि गरीब की लड़की ले आए, कुछ नहीं मिला हमका, सोफा नहीं मिला, टीवी नहीं मिला। हमारे भी हमार लड़की बोलीस के सोफा टीवी सब हमार बाप दे ही, पहले तू घर बनवावा रख के खातिर, जऊ ना आवा तो फैले में के है, वह नहीं रख के जगह आए तो सोफा टीवी कहाँ रख है। पहले भी मारपीट की है? बहुत पतन किए उसके साथ, बहुत ज़्यादा बुला। पर साल अप्रैल में उसको 9 उपास कराए थे, सिंटेक्स था लेटरिन में, उसी लेटरिन का पानी हमारी लड़की 7 दिन पी थी। फिर फोन लगाई मम्मी हम खाना पानी बाहर हम मर जाई, हम अपने छोट वाले लड़का का भेजन तो बुलाए लिया आए तो 5-6 महीना रखन। फिर ओके बाद 5-6 महीना रखन, फिर आए दवा धरे पचे सब कहा लागे तो फिर भेज धन। मतलब हम जौने दिन भेजन वह दिन हम एडमिट रहन हॉस्पिटल में, लड़की के पापा रहे तो बोले हमेशा आपसे बताया करती थी जो भी उसके साथ घटना घटी होती थी। और घटना घटी अस्पताल मानती बताई समान लड़की हमका कि मम्मी आज 5 दिन से झगड़ा चालू है, तो हम 5 दिन से खाना नहीं खाए आहन, 4 दिन से पानी नहीं पिए आहन। अभी हमका साहब नहीं पता है कि लोग जानत रहे के जान के करीन, ये हमका देखा ये नहीं पता है। लेकिन इतनी दुर्घटना हमारी लड़की के संगे भाई,